हम आपसे पूछे आपके पति क्या करते हैं? किसान है, जाते हैं आधे घंटे किसानी करते, फिर तारी लिए चल जाते हैं। आके हमरा सुनाते कि कितना करे हैं, हमरा बोलते हैं दाल भात बनाओ, मुर्गा बनाओ, बताओ तो। तो आपके ताड़ी पीते हैं? हाँ। आपके घर का हाँ खेती बाड़ी ढंग से करते ही नहीं, तो खर्च कैसे चलता है? वही चोरी लबारी करके लावे लाई। चोरी भी करते हैं? हाँ। ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है, लगता है कि चोरी का ही हार और नलखा ना। ये सासु माय दिल में हाथ में का वो सासु माय के है। ओ, ये आपके सासु माय के दिया हुआ? हाँ। वो खानदानी जेवर कुछ? हाँ हाँ। ओ, दादा पर दादा पैसा बचा के रखेगा, पीने वाला आदमी को कोई चीज नहीं बेच भी सकते। हाँ। आपके बालों का राज क्या है? इतने छोटे छोटे, इतने गांव में रह के छोटे बालों का राज? देखिए, हम आदर संस्कार मानते हैं, तो मम्मी बोली ना, माए माए बोली ना कि जा तारू ससुराल, तो एक बात के ध्यान रखी है कि अगर जैसन पति रही और सने रही है, वो दाल नीमक खाए तो तू हो दाल नीमक खाई है। हम बोली ठीक है। तो हम बोलते हली कि जब माए बोले कि सब करके देखी है, तो देख ली कि अली तबे देख ली कि मर्दाना के बाल बोए कर, तो माय के बात मान ले ली। हम देख ली कि मर्दाना शुरू दिन में बोए कर, तो हम बोए कट करवा ले ली। ओ, अच्छा ठीक है। अच्छा भौरी देवी जी, आप हाँ, पढ़ी लिखी कितना है? एक भी पढ़ ली हल। हाँ। बाबू भेजलक मार उड़ के गेली, तो चरवा पत्ता बाहर वाला तब पढ़ने ना ना, तब पत्ता भरवेलक ना, तब हम डांट दिली ऊपरा, तब मार दिलक, तब बाबू के बोली तो नाम कटा गई। बाकी भाई बहन सब पढ़ा लिखल बा। लेकिन आप तो बहुत खूबसूरत है, मिल्की वाइट है। हाँ वो तो है ही है, मर्दानो बोलता है, माँ सासू बोलती है। अच्छा भौड़ी देवी जी, तो आपका बच्चा कितना है? बच्चा नहीं। पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ खेती करें के ना, हमरा से ज्यादा पढ़े लिखल है। हम एक दिन पढ़ ली, 10 दिन पढ़ रहा हल। ओ, 10 दिन पढ़ ली। मोबाइल ना रख, साइन करने भर जानते हैं? हाँ। मोबाइल वोबाइल चला पाते हैं? ए, उनका नहीं आता, हम रख ले ना, देखे नोकिया के मोबाइल है, नोकिया के। बहुत अच्छा, आपको मोबाइल तो बहुत 5,000 के, 5,000 के। तो ये जब आपके हस्बैंड कमाते नहीं है, ताड़ी पी के पड़े हुए रहते हैं, तो ये मोबाइल कहाँ से आप ले आए? हम करते हैं ना काम, सरकारी स्कूल में टीचर है। तब बोली कि पढ़े लिखे नहीं है, तो टीचर है कि वहाँ? अरे सरकारी स्कूल में पैसा नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा कौन देखता है, बताइए तो। ओ हाँ, ये बात भी आप सही कह रहे हैं। तेरी गुदगुदा कुर्सी है, कहाँ से मंगवाया है? ये सरकार तरफ से आया है इंटरव्यू के लिए खासकर। हाँ, आपके पास, हाँ, आप इतनी महान आदमी हस्ती हैं, औरत भवरी देवी जी, आपके बारे में बहुत लोग सुना है कि। अच्छा आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी थे चिट्ठियां पहुंचाते ना, जो काजी पोस्टमैन कहते हैं, डाकिया। हाँ डाकिया, वही थे। हम पीछे जाते थे, हम पहुंचाते थे। आप तो उस समय बोले कि आपके बाबूजी दिन भर घड़े बैठ के पी के पड़ल रहते हैं, आपका? हम ऐसा कभी नहीं बोले, झूठ लालचन मत लगाइए। हम खाली बोले हैं कि बाबू के बताए कि मास्टर मारा है तो नाम कटा दिया। हम कभी नहीं बोले कि हाँ बाबू पीता था, खैनी खाता था, पर काम करता था। ठीक है। अच्छा तो आपकी माता जी क्या करती है? माता जी हाउस वाइफ। ओ अच्छा, तो आप अपने सुने हैं कि आपका बचपन आपके नाना यहाँ बीता? हाँ। आपके नाना जी क्या करते? नाना जी गार्ड थे। ओ, तब तो आप बहुत अच्छे फैमिली से आपकी। तबे ना मोबाइल वाले लिए। ओ नाने के पेमेंट। हाँ। अच्छा ठीक है। नहीं हाँ भौरी देवी जी, तब आप और टीचर के सिवा कुछ और भी बनना चाहते थे? ना बनना तो कुछ नहीं चाहते थे, पहले ही से भगवान ने तरह सुंदर बनाया, और का बन गई दीदी भी तू ही बोला। हाँ ये बात। आपके सासू माँ का आपके प्रति कैसा स्वभाव है?
सासु माय माय नियर रखा तो एकदम माय नियर रखा ना सासु माय एकदम माय नियर तो ये मोबाइल वाला क्यों क्यों मोबाइल वाला देखता है अच्छा आपका शादी अरेंज मैरिज हुआ कि लव मैरिज हुआ अरेंज पैसा लिया था ऐसा ही कहे थोड़ी कर बे बाबू पैसा दिया था 10 लाख रुपया दिया था पूछिए सामने खेती वाला के लिए 10 लाख आपके बाबूजी दे दिए अरे हाँ झूठ बोला वो पिया खतारी झूठ बोला ऐसा हाँ। झूठ बोला ऐसा बोला कि इंजीनियर ऐसा बोला कि इंजीनियर बा तो हमने बोले कि इंजीनियर लड़का है शहर में रहा होते तो कर देते पता ताड़ी पीने वाला हाँ इन्हें कि महंगा ब्रांड की है ताड़ी पिया सस्ते पीता है महुआ का न ताड़ी पिया तारी के तार के पेड़ पे चढ़ के निकाला है पैसा कहाँ है अत्रेवजी और भी आपके बारे में हम जानना चाहेंगे लेकिन समय बहुत कम है हमारे हम लोग पास समय नहीं है घर जाके भात बनाना है जल्दी बोलिए ठीक है आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई हमें समय हमारे पास बहुत कम है इसीलिए आपसे ने तो बात करके बहुत अच्छा लगा फिर आपसे हम आएंगे मिलने बात करने आपके हस्बैंड से मिलेंगे आपके सासू माँ से मिलेंगे तारी प्याक हस्बैंड जो नाश्ता ना मिलेगा अच्छा आपके हस्बैंड घर में कहीं दिखाई नहीं देते दिन पड़ल होगा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं ठीक है इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ठीक है चलते हैं इंटरव्यू खत्म नमस्कार नमस्कार।